Astis vlog. So, मैं शेयर कर रही हूँ एक और व्लॉग. मुझे नहीं पता मैंने लास्ट व्लॉग में लाइक ईद व्लॉग में आप लोगों के साथ ये शेयर किया है या नहीं. ये सेंटर टेबल और मेरे सोफाज अभी बाकी हैं. बाकी तो बहुत कुछ है बट कौन है. कल झूठ मूठ में ये हो गया कोई है कोई है कोई है. मैं काश उसको रिकॉर्ड कर पाती बट वो ऐसा हुआ कि कोई है घर में कोई है बट पूरे घर में कोई भी नहीं था. और हम लोग रात को 11 बजे वापस आए थे या निरुक्सार के घर से. सो, इस रूम में बहुत अंधेरा है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल लाइट है और अभी लाइट्स बाकी हैं. सो, मैं ये ब्लॉग इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ ऑर्डर किया था. मैंने ऑर्डर किया है झूला स्विंग. सो, वो मैंने एक्चुअली ऑर्डर तो कर दिया किसी के थ्रू, किसी जाने वाले के थ्रू. उनके पास शॉप पे था तो उन्होंने कहा हम आज ही तो उन्होंने कहा हम कल डिलीवर कराएंगे बट वो आज ही डिलीवर होने वाला है. सो, मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ. वैसे वो कलर जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट है मेरे वॉल के. वो ब्लू कलर में मैंने ऑर्डर किया है एंड मेरी जो वॉल है वो है पर्पल. पर लेट्स सी, हो सकता है मैं अपनी वॉल चेंज भी करवा लूँ आफ्टर लॉकडाउन. लॉकडाउन वैसे नाम का ही लॉकडाउन है अभी फिलहाल. सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं. बस अननेसेसरी आप बाहर नहीं निकलो. तो मैं भी बाहर जाके कोई ऐसा काम नहीं कर रही हूँ, मैं घर पे ही हूँ. तो मैंने ऑर्डर कराया और वो आने वाला है रात के 10:30 बजे. यस, निकल चुका है वो 10:30 बजे आने वाला है. शायद कहीं दूर से जानने वाले के थ्रू मैंने ऑर्डर कराया है. एंड गाइस, आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि वो भी एक मेरी लिस्ट में था. जैसे कि 2 सोफ़ाज चाहिए थे मुझे, एक सेंटर टेबल, एक रग, एक साइड टेबल, एक लेडर और उसमें वो झूला भी था, चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स. तो मेरी कुछ कुछ चीज़ें थी पहले से ऑलरेडी माइंड सेट, लाइक एक फुल फ्रेम, यू नो, वॉल फ्रेम्स, काफ़ी सारे सेट ऑफ वॉल फ्रेम्स. सो, उसमें वो भी एक है. तो आई थॉट कि मैं शेयर करती हूँ. वैसे तो रूम टूर एंड हाउस टूर सब अलग अलग आएगा बट अभी फिलहाल जो आ रहा है वो मैं शेयर करती हूँ. और ये ब्लॉग भी आप लोगों के साथ आ जाएगा शेयर करने के लायक. सो, जब तक आता है, जब तक हम जा रहे हैं करने एक्सरसाइज क्योंकि मैंने चेंज कर लिया है और रात के 10:30 बज रहे हैं तो मैं इसे टाइम करती हूँ. लेट्स गेट स्टार्टेड. भैया का कॉल आया है अभी अभी कि मैडम आपकी कौन सी गली है. एंड ये जो जेल आईलाइनर है, मैंने कल जेल आईलाइनर लगाया था यार, मैंने उसे काफ़ी हटाया. वैसे एक्चुअली इतना भी नहीं हटाया बट 2-3 बार मैंने फेस वॉश किया, उसके बाद भी वो अभी थोड़ा बहुत है. ओके एंड गाइस, आज का मौसम जस्ट लुक एट दैट. वैसे रात हो रही है बट यार इतना मस्त, इतना ठंडा. अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उन्होंने मौसम को अच्छा कर दिया है. बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, लाइक 48 डिग्री गर्मी. ओह माय गॉड, ततैया सी, ततैया दिख रही है आपको उड़ती हुई. अरे भैया, हाँ अरे भैया भागो. ये रहा हमारा झूला जो कि टील ग्रीन कलर में है. जब उन्होंने मुझे इमेजेस दिखाई थी लाइक काफ़ी सारे कलर्स थे, ऑलमोस्ट 15 के अराउंड कलर्स थे. आई वाज सो कंफ्यूज क्योंकि मैं ब्लैक नहीं लेना चाहती थी, मैं वाइट टी लेना चाहती थी एंड मैं थोड़ा सा न्यूट्रल चाहती थी बट न्यूट्रल सब कुछ न्यूट्रल न्यूट्रल हो रहा था. तो मैं सोची मैं इस कलर का सोफ़ा अपने कमरे में लूँगी, पर्पल वॉल को चेंज करा दूँगी या तो वाइट ब्रिक वॉल या तो कोई और वॉलपेपर तो उसके साथ मैच करेगा. लेट्स सी, अभी तो खैर आ जाए नहीं तो दूसरे रूम में रख देंगे. दूसरे रूम वाइट है यानी ये कलर ब्राइट है तो वाइट के साथ डेफिनेटली जाने वाला है. सो, आ रहा है, चलिए चलिए. सैनिटाइजर, मैंने अपना फ्लोर मैट बिछा लिया था, एक्सरसाइज मैट. और उससे पहले कॉल आ गया, मैम वी आर हेयर. मुझे नहीं लगता बहुत भारी है ये, पता नहीं इट्स इज कि ये वाला झूला जो है वो 150 kg आपका वेट ले लेता है. लेट्स सी, अंदर यहाँ पे जा पाएगा ये. हाँ सुन, ये साइड में रख दो. तो बहुत बड़ा है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा है यार ये तो. टू मच थिंक अबाउट इट कि मैं इसे कहाँ लगाने वाली हूँ. कलर इज़ वेरी ब्यूटीफुल गाइज, दिस कलर इज़ वेरी ब्यूटीफुल. लाइक इट, लाइक इट. गाइज, ये बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ का है, लेकिन मेरे जैसे 2 साथ में बैठ जाएंगे. टोनो कैमरा उस तरह दिखा रहा है या नहीं, ये काफ़ी बड़ा है. अभी स्टैंड भी लेके आ रहे हैं एंड आई एम सो हैप्पी कि इसके साथ स्टैंड भी उन्होंने कंप्लीट दिया है. एंड इसका जो प्राइस है वो 7000 था क्योंकि लॉकडाउन की वजह से उन्हें बस सेल से निकालना था. तो 7000 ऑनलाइन इसका प्राइस 15000 से लेके 20000 है. और स्टैंड भी इसके साथ है बट आई थिंक इसका जो कुशन है, जो पिलो है, वो इसके साथ नहीं मिला है मुझे, आई एम प्रिटी श्योर. और ये काफ़ी गीला है और गंदा है क्योंकि बारिश हो रही है बाहर.
सो ये भीगा हुआ आया है एंड आई एम सो हैप्पी कि फाइनली ये या आई एम हैप्पी, मेरी खुशी मेरे चेहरे पे देखो आप, आई एम हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। आजकल टिकटॉक पे ये वाला जो यू नो वाइप इट वाला बहुत ज़्यादा चल रहा था, वो मेरे जुबान पे आ गया है। अरे रे, मैं हेल्प करूँ? गाइस आई एम हैप्पी क्योंकि इसके साथ पिलो भी मिल रही है मुझे, जो कि अराउंड 2000 रुपीज़ की अलग से लेनी पड़ती है ऑनलाइन। मैंने सब कुछ पहले से सेव कर रखा था और मैंने सब देखा था एंड इसका जो स्टैंड है आप इतना स्पेस ही ले रहा है, वैसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना बड़ा होगा, इतनी जगह लेगा। एंड मैंने ये जगह रखी थी कि एक और मैं कोई सोफ़ा ले लूँगी, बट अभी मुझे लग नहीं रहा। एंड मैं सोच रही हूँ भैया को बख्शीश दे देते हैं, इतनी दूर आए हैं रात में तो इनका भी दिल लग जाएगा, है ना। गद्दा मैट्रेस कह लो, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो कि अराउंड 2000 का है। आई एम सो हैप्पी कि मैंने इतना अच्छा बाय इतने कम में कर लिया, फाइनली आई एम सो हैप्पी हैप्पी ये। ओके सो वैसे मुझे इस पे बैठना, इसमें मुझे बैठना चाहिए था बट मैं नहीं बैठूंगी, मेरे लिए स्पेशल है अमायरा। सो अमायरा आ चुकी है और हमारा बैठेगी इस पे, मेरा लाडो मेरा लाडो लाडो लाडो। बैठी तो सही अमायरा, अमायरा शू मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा राजकुमार। अमायरा कैसा लग रहा है? बैठो आपके साथ, बैठो आपके साथ, बैठो मुझे डर लग रहा है कहीं टूटेगा तो नहीं। स्प्रिंग है भाई, डर तो लगता है ना, दादी एंड पोती का प्यार देखो, दादी पोती शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मम्मी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया वैसे झूला। अमायरा स्टार्टिंग में काफ़ी डरी और उसके बाद वो ओके है। आप बाहर देख सकते हो मेरे बाहर, घर के बाहर जस्ट पार्सल की लाइन। सो अमेज़ॉन से भी बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करी हैं, अभी हमने न्यू एसी भी लगवाया है एंड इसके अलावा भी सबके कार्टन्स रखे हुए हैं डिस्कार्ड करने हैं। और मुझे नहीं पता, मुझे अचानक से सडनली यू नो मेरा बीपी फॉल हुआ है क्या, मुझे चक्कर आ गए एंड अभी मैं थोड़ा सा वेट करके एक्सरसाइज करके एंड देन मैं जाऊँगी। तो यहाँ बाकी जो ब्लॉग है वो मॉर्निंग से कंटिन्यू करेंगे। गुड नाइट। नहीं वैसे मेरी मेहंदी कैसे लग रही है? मैंने ईद के अगले दिन रुखसार ने मेरे हाथों में लगाई है, रची बहुत है। नहीं काफ़ी डार्क हुई है मेहंदी, लाइक इट। मुझे मेहंदी का कलर डार्क होता है तो पसंद आता है, वैसे ये कलर बहुत अच्छी तरीके से आया। आई डोंट नो, वैसे बहुत ही कम रचती है मुझे, अच्छी रचती है और डार्क कम होती है, पहले काफ़ी टाइम के बाद ही इतनी डार्क मेहंदी हुई है। तब से मैं काम में लगी हूँ, एक्चुअली इलेक्ट्रिशियन आया हुआ है आज। और यहाँ पे अगर आप देखोगे मेरी छत पे तो इन्होंने बस एक फ़ैन की फिटिंग का दिया हुआ है, कोई भी शैंडेलियर वगैरह लगाने का कोई भी जगह नहीं दिया, बट आई वांट कि मेरे रूम में शैंडेलियर हो, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे ऑर्डर किए हैं। मैं इनका हॉल बनाने वाली थी बट मुझे नहीं पता आज ही मिल जाएंगे इलेक्ट्रिशियन, क्योंकि हमारे एग्जॉस्ट फैन लग रहे हैं। सो मेरे को इनको आज ही फिटिंग कराना है। तो हाँ मम्मी, मम्मी इज इन माय रूम, मम्मी मेरे रूम में, मम्मी अमूर मम्मी। और मैंने चढ़ाई है सब्जी लौकी की, मेरे हाथ की आज सब्जी खाना, तो कोई आया है। मैंने अभी
घिया की सब्ज़ी चढ़ाई है, रोटी बनानी बाकी है, मुझे फ्रेश होना है। वैसे मैं रात में फ़्रेश हो ली थी करीब 9:30 बजे, तो शायद अभी ना नहाऊँ। और मुझे आज करना है शूट कैसे भी करके, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। जब से मैंने घर के कामों में थोड़ा बहुत भी हाथ लगाना शुरू किया, मुझे टाइम ही नहीं मिलता पूरे दिन। एक बज रहा है, नमाज का टाइम भी हो गया आया हुआ ग्लास होल्डर्स हैं वो तो फिट कर लिए हैं इस तरीके से, और मैंने इनके ऊपर रख दिया ताकि ये टूटे ना, क्योंकि ये काफ़ी कांच के हैं। टोटल 10 हैं। एंड जो मेरे को प्रॉब्लम आई है वो ये कि इसके अंदर यहाँ पे कुछ ये नट बोल्ट टाइप दिए हुए हैं, सो आई थिंक ये पेच जो है, ये तो पूरे 10 हैं बट ये जो हैं वो कम मिले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ये उन्होंने पूरे दिए थे बट ये मिस हो गए हैं, बट ये 9 है यहाँ पे। मैंने पूरा बॉक्स देखा, मुझे मिला नहीं, पूरे बॉक्स में मुझे कहीं भी नहीं मिला। अब मुझे कोई ना कोई जुगाड़ करना पड़ेगा ना, क्योंकि भैया आने वाले हैं लगाने के लिए। तो लेट्स सी, फाइंड आउट समथिंग। देखने के लिए कि इनके चढ़ेगी कि नहीं। देखो मेरे हाथ पे बुआ की हालत देखो, बुआ कितनी थकी थकी है। बुआ जा रही है नहाने और बाहर का मौसम, अल्लाह का शुक्र है, बारिश बहुत तेज हो रही है। बाहर का मौसम देखो, 5:30 हो रहे हैं और हमारे शॉक्ड, ये कौन सा मौसम है, हमारे ने बारिश नहीं देखी। देखी तो होगी बेटू। ओके सो मैं यहीं पर ये व्लॉग एंड कर रही हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। वैसे इसमें कुछ खास नहीं था बट स्टिल आई थॉट कि मैं अपना झूला आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो मैंने लिया है। इसके अलावा मेरे झूमर का काम भी हो गया है फाइनली, एंड नाउ आई एम गोइंग टू गेट फ्रेश एंड देन मुझे वीडियो शूट करनी है। मेरी हालत देखो, मतलब अभी मैंने झाड़ू पोछा करके फिनिश हुई हूँ, पूरे घर की सफाई हुई है और मुझे अब फ्रेश होना पड़ेगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा यू नो स्वेटिंग हो गई है। मुझे अंदर से अच्छा नहीं लग रहा, गंदा गंदा लग रहा है। सो आई थॉट फ्रेश हो जाते हैं, एंड बहुत ज़्यादा ही अच्छा हुआ है बारिश होने की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी गाइस। 48 डिग्री पहुँच चुकी है दिल्ली में, तो गर्मी मतलब रहना बर्दाश्त के बाहर है। एसी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत अच्छा मौसम है, ट्रस्ट मी, और हमें शुक्र अदा करना चाहिए इस चीज़ के लिए। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर दिस व्लॉग एंड फॉर मोर व्लॉग्स ऑल्सो। इस व्लॉग में कुछ खास नहीं था, डेफिनेटली आपको आने वाले व्लॉग मिलने वाले हैं। नेक्स्ट मंथ में अमायरा का बर्थडे है, जब तक ये व्लॉग जाएगा जून में, मतलब इसी मंथ में अमायरा का बर्थडे है, अमायरा बर्थडे, बट हमें लॉकडाउन में ही सेलिब्रेट करना पड़ेगा क्योंकि हम ज़्यादा गैदरिंग नहीं कर सकते। दिस इज सैड, मुझे इसके लिए शॉपिंग वगैरह भी करनी है। Thank you.